सजे आखाड़ा तेरे पीछे जग सारा वे तू बंदा बन जाया रावे तू बंदा बन जाया बजे आना गाड़ा ढोल पीटे जग सारा वे तू नाच मेरे यारा वे तू नाच मेरे यारा। चार दिन रह गए पीर मंजर शाह के उर्स में, इस बारी बड़ा ही मजा आएगा मेले में। मगर इस बार कुश्ती के मुकाबले में बड़ा तगड़ा जोड़ पड़ने वाला है। एक तरफ अपने चौधरी साहब का दस्तगीर और दूसरी तरफ नामी ग्रामी पहलवानी खानदान का हाकम अली का बेटा सुल्तान। पर जीतेगा सुल्तान ही। तू इसलिए कह रहा है क्योंकि पिछली दफा सुल्तान ने दस्तगीर को हरा दिया था, पर इस दफा दस्तगीर सुल्तान को पछाड़ेगा। बैठ जा। हजार बार तुझे समझाया है सुल्तान की मां, और अपना हाथ खुला रखा कर, इतना सा मक्खन डाल दिया इसमें। और पहलवानों का घर है, कोई चूहे बिल्ली का घर नहीं। पहलवान जब अखाड़े में उतरे ना तो उसका पिंडा चमकना चाहिए, वरना लोग बातें बनाते हैं। मां की जगह पे आके देख हाकिम अली, बेटा जब सोना गबरू जवान हो, दुनिया की नजर उस पे हो तो माँ के कलेजे पे हाथ पड़ता है। लाल चाहे गुदड़ी में हो या गोद में, दुनिया की नजर उसी पे पड़ती है। तो डरती क्यों है इस तरह? तू तो ऐसे कह रही है जैसे जंगो जदल तेरे लिए कोई नई बात। और तेरे वालिद मोहतरम अल्लाह जन्नत नसीब करे जरा थे, उनके पास तो लोग आते ही हड्डियां तोड़वा के थे। मैं बकल्लम खुद अपना बाजू तोड़वा के गया था। किस्मत बुरी, नजर तुझ पे पड़ गई और हाकिम अली जो किसी से चित नहीं हुआ चारों शाने चित हो गया। देखो डरती है तू। औरत को समझना तुम पहलवानों की बस की बात नहीं है हाकिम अली। कभी कभी वो आशिक के आ ना करने पर मर मिटती है और कभी बेटे की आ पर। ओ, आ गया मेरा शेर पुत्र। आ जा मेरा पुत्र, थोड़ा रगड़ा लगा दे जरा। बस कर दो अब्बा जी, बादाम है कोई पत्थर थोड़ी, पुराना सुबह सुबह रगड़ा आपका जगा देते हैं यार। ऑमलेट बना लो मक्खन का ताजा। पहले अपने बाल बांध कर। तो तेरे पुत्र की समझ नहीं आती, सरदाई का रगड़ा लगाओ तो इसकी आंख खुल जाती है, मक्खन से इसको भू आती है, उल्टी आ जाती है। कहने को ये हाकिम अली पहलवान का पुत्र। और अम्मा ये देख, इसको ये पहलवानी खुराकें मत खिलाया कर। आ जा, तुझे ऑमलेट मैं बना के देती हूँ। आ जा। चाहूँ क्या? आ जा, आ जा, आ जा। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि जो जुड़वां होते हैं बहुत लड़ते हैं आपस में। हमारे देख लो कितनी मोहब्बत है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बगैर सांस नहीं ले सकते। मेरा सुल्तान क्यों नहीं आया अभी तक? ये तो यही गड्डी है, यही। जीता रहे सुल्तान। अम्मा तू बस दुआ करना, कुश्ती का मुकाबला है मेरा। ये कुश्ती मुकाबला तू ही जीतेगा इंशाल्लाह। हाँ।
ओए गधों के इंसानों से भले ही कितना इख्तलाफ हो लेकिन तेरे बड़े काम के वो जब से न पैद हुए हैं ना तो सामान ढोने का काम इंसान खुद कर रहा है। देख दस्तगीर, राह गली की छेड़खानी अच्छी नहीं। मेरी तुझसे जाती दुश्मनी तो है नहीं, अखाड़े की लड़ाई अखाड़े तक ही रहने दे। मना किया था ना उस दिन के बाद से मेरा रास्ता मत रोकना। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरों पर अनायतें और हमसे इस कदर बेरुखी, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। हाथ छोड़ो मेरा। अगर दो मिनट बैठकर मेरे दिल का हाल जान लेती तो नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। चलो बैठकर बात करते। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मैंने तुझे कहा था ना सितारा के आसपास भी मत भटकना। लगता तुझे अपनी जिंदगी अजीज नहीं। वो ही भाई, वो भी भाई, कहाँ पे लड़ाई हो गई है? रुस्तम, रुस्तम छोड़ो से, रुस्तम छोड़ो से, रुस्तम रुस्तम छोड़ दो से, बस छोड़ दे उसे, हाथ मत लगा, बस समझा, हाथ मत लगा, समझा। बैठ जाए अब्बा जी, भाई सुल्तान आते ही होगा। नहीं मैं तो वैसे ही ले आ गया। कहाँ रह गया? ये क्या हुआ, झगड़ा किया है किसी से? वो नहीं अब्बा जी, किसी ने शरारत की है। किसने की है शरारत? बच्चे थे। ये उस दस्तगीर का काम है ना भाई? देख लो अब्बा जी, आए दिन गली मोहल्ले में भाई से फट्टेबाजी करता है। लगता है मेले से पहले मेला लगाना पड़ेगा उसका। नहीं हरगिज नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये सब हथकंडे होते हैं। असल पहलवान वो है जो मस्त मलंग रहा है बस। ये पहलवानी नहीं बुजदली है अब्बा जी। बस जो अब्बा जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं।
प्रत्येक दिलशेर पहलवानों को जेब नहीं देता गली मोहल्ले में लड़ते फिरे। समझ इस बात को। मैं रुकने वाला नहीं हूं। दो दिन पहले भी कचरा फेंका था ना उसने, आज सारा हिसाब होगा। ओए दिलशेर, ओए तल जा, रोक अब अपने लाडले को। घर से गुस्से में निकला हुआ शख्स आजाद तीर की तरह होता है, कोई भी अपनी कमान से चला सकता है। जा रोक उसे, जाने मत देना। तू जा मेरा पुत्र, कपड़े बदल और सरदाई पी जा। हर दफा यही करता है, इस दफा नहीं जाने दूंगा उसे। तुझे कितनी बार कहा है कि बीए कर लो कर लो। अब इन सब बातों से इस बात का क्या ताल्लुक है? किताबों में रहेगा ना तो थोड़ा अदब से रहेगा, अब्बा के साथ भी तमीज से बात करेगा। बस कर रेशमा, मैंने तुझे अब्बा से आगे पढ़ने की इजाजत इसलिए नहीं लेके दी कि तू चार किताबें चाट के मेरी तरबियत करने लगे। वैसे एक बात तो पक्की है। क्या? यही पहलवानों का खून हूं, दूध घी नहीं खाता तो क्या हुआ, जोश तो मारेगा ना। तुम्हें समझाना फजूल है। ए बस कर रेशमा, रेशमा खोल इसे, रेशमा और रेशमा खोल। तू दोनों दरवाजे बंद कर गई है ना, अम्मा को बोलूंगा। अम्मा क्या तोड़ू क्या जाली? आओ मेरे पास ही खड़ा हुआ, तुम वो करो जो मैंने तुम्हें बताया। यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर नहीं, मैंने कहा था हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। रूसी 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 यार, इतना थोड़ी मारते हैं किसी को, वो मर जाता तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी में हंगामा खड़ा कर दिया। और आप मैडम सितारा, आपसे इतनी सी सिचुएशन नहीं हैंडल हुई यार। मॉडर्न डे की लड़की हो, देती उस कान के नीचे एक। मैं तुझे दूँ कान के नीचे एक? तुझे इतनी सी बात लगती है ये? हाथ कैसे पकड़ा उसने सितारा का? तुम्हारी वीडियोस ना वायरल हो रही है व्हाट्सएप पे, और अगर ये एक दिन तक पहुंच गई तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। Who cares? बेगम साहिबा, छोटे साहब को गांव आए हुए काफ़ी अरसा गुजर गया है, पता नहीं वो शहर में अकेले कैसे रह लेते हैं, माँ से भी मिलने का दिल नहीं करता उनका। आज के दौर में कैसी दूरी रिहाना, फोन पे जब दिल चाहा वीडियो कॉल कर ली। और वैसे भी औलाद चाहे कहीं पे भी रहे, होती तो माँ के दिल में जरा सा झांका और हो गई मुलाकात। वो चौधरी साहब जमीनों से नहीं लौटे? नहीं जी, अभी तक तो वो नहीं आए। अच्छा ठीक है, मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाना। जी अच्छा। क्यों रुस्तम, मां की याद नहीं आती तुम्हें क्या? Thank you.
पक्के पैरी, पक्के पैरी मार सु पुठी। ओए हाथ पक्का पक्का मामे खां। कच्चे हाथ नाल काम नहीं बनना। बाहर रखो, बाहर सु। ओए दस्तगीर कहां मर गया? मैंने खुद उठा लिया। दस्तगीर टैटू बनवाने से कोई पहलवान नहीं बन जाता है। उधर हाकम जो है वो सुल्तान को कुश्ती के दांव पे सिखा रहा है, तू यहाँ पड़ा सो रहा है। तो मैंने ना इंदा तुझे बाहर मुलक लेके नहीं जाना। वो मेरी नाक कटवाएगा भरे मेले में और मेरी पग रोलेगा हाकम के पैरों में। चौधरी साहब, उस पाटे से सुबह ही ला ली सी, तो सुल्तान है, कोई तोप तो नहीं है। मुंडिया नु खाड़ा गोड़ लैन दो। वो खाड़े नु छड़ तू उठ बैठ चुक। चुक लेने वेट भी और इसने हरा देना है सुल्तान को। तुमने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी थी। स्टूडेंट्स बता रहे कि तुमने उसकी नाक के तोड़ दिए। लिमिट मैं क्रॉस कर रहा था या वो कर रहा था? इस यूनिवर्सिटी में चैंपियन आ रहा रे यानी रुस्तम रियासत अली के होते हुए तुमसे कोई बदतमीजी करे, दैट्स इम्पॉसिबल। फिर भी रुस्तम, नहीं तुम क्या चाहती हो? तुम ये चाहती हो कोई तुमसे बदतमीजी करे और मैं वहाँ खड़ा चुपचाप वो तमाशा देखता रहूँ, ये चाहती हो तुम? देखो मुझे अच्छा लगता है तो मेरा ख्याल रखती हो, लेकिन दिस इज लिटरली टू मच। अच्छा एनीवे छोड़ो इन बातों को, वीकेंड का क्या प्लान है? वीकेंड पे हम सब गांव जा रहे हैं, मैं, तुम, बॉबी और आनिया। हम सब मतलब कोई शादी है? नहीं, फिलहाल शादी नहीं है, हम मेला देखने जा रहे हैं। हमारे गांव में एक बहुत प्यारा मेला लगता है, हम वो देखने जा रहे हैं। मेला? इंटरेस्टिंग। और इसी बहाने तुम हवेली भी देख लेना, तुम हवेली भी देख लेना और मॉम डैड से मुलाकात भी हो जाएगी। चलो। श्योर। सज्जन वाले अखाड़े का आखिरी ते फाइनल मुकाबला थोड़ी देर बाद शुरू हो रहा है। एक पासे रियासत अली ते दूजे पासे जद्दी पुश्ती पलवान हाकम अली। आज दे इस कुश्ती मुकाबले तो बाद कोई एक पलवान हमेश हमेश नहीं अखाड़े नू खैर आबाद साथी। ये आपकी मैं चाय लेके आई हूँ। चा चा चा
और हर वक्त जो है वो चाय के नाम पे सड़ा हुआ पानी ला रखते हो मेरे सामने। और ऐसा लगता है कि चौधरी रियासत की हवेली नहीं है, किसी कमी कमीन का घर है। उठाओ और ले जाओ चा। क्या बात है चौधरी साहब, आज इतना गुस्सा किस बात का? ना मैरन साहब बेगम, मुझे ये बताओ कि वहां फार्म में जो है एक से बढ़कर एक भैंस है और घर का दूध मक्खन है, फिर ये सड़ी हुई चाय क्यों पेश करती रहती हो मुझे? लगता है चौधरी साहब आज आप फिर हाकिम पहलवान को देखकर आ रहे हैं अखाड़े में। आखिर आप इतने सालों पुरानी बात को भूल क्यों नहीं जाते? क्यों हाकिम पहलवान से? हाँ जी रुस्तम पुत्र। ओ ये तो अच्छी बात है ना, वो आफ्टर ऑल वो हम हैं तो जमींदार ही। हाँ इसका मतलब है पूरी टोली आ रही है साथ में। हाँ चलो इसी बहाने वो लोग भी तेरे बाप रियासत अली की शान और शौकत देख लेंगे। ओ कुश्ती मुकाबले का चीफ गेस्ट हूं मैं। तू फिक्र ही ना कर। हाँ और तमाम इंतजाम जो है वो शहर के मुताबिक ही होंगे। हाँ और रब राखा। रुस्तम आ रहा है? ओ नहीं नसीर है। चौधरी साहब। और रुस्तम ही है, अपने दोस्तों के साथ मेला देखने आ रहा है। आपने हमारी इकलौती औलाद को हमसे इतना दूर शहर भेज दिया, आखिर ये जुदाई कब खत्म होगी चौधरी साहब? ये बड़ी अकल की बातें हैं मेहरून साहब, वो खामखा अपना दिमाग ना लगाया कर इनमें। और रशीदा से कह के जो है वो मेहमान खाने की सफाई करा देना। छोटी और रोटी लिया? और ये पांचवी रोटी। वैसे कितना ज्यादा खाते हो ना भाई आप। ओए छोटी पहलवान ना खुश खुराक होते हैं। जा अम्मा से कह दे मेरे लिए दो रोटी और लगा दे। दो और? तो और की तेनू पता है अब्बा जी की कहंदे? की कहंदे? पहलवान का जुस्सा ना कंद की तरह होना चाहिए। और पता है हाजरा क्या कहती है? की कहंदी है? कहती है रेशमा तेरा पराग कितना पिटू है, उसके नाप की शेरवानी तो स्पेशल बनानी पड़ेगी। ओए तो ब्याह के लिए शेरवानी कौन सी जरूरी है? हाँ तो क्या लंगोट में लेकर आएंगे अपनी दुल्हन को? पहलवान है जिस मूड में होंगे उसमें जाएंगे। सही है। रेशमा गरम रोटी ले जाओ। आई अम्मा। सुल्तान अपने हाथ से खिला दे। ओए हाजरा तू यहां क्या कर रही है? कहीं अब्बा जी ने देख लिया ना तो मेरी शामत आ जानी है। तू बावर्ची खाने में जा, वहां छोटी और अम्मा दोनों हैं। क्या हो गया सुल्तान? तेरी मंगेतर होने से पहले तेरी खाला जात भी तो लगती हूं, उसी बहाने थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाना। अन्नी हो गई है, तू जा यहां से। ओ जा भी। जा रही हूं, बादाम का हलवा बना के लाई थी तेरे लिए, अपने अब्बा से इजाजत लेके खा लेना।
खाला। वालेकुम सलाम। तू कब आई हाजरा? बस अभी सुल्तान ने कहा आप लोग बावर्ची खाने में। जा अंदर चली जा, रेशमा अंदर है। सुन हाजरा, दिल शेर को खाना देने के बाद ना हम छत पर बैठ के ढेर सारी बातें करने वाले। ठीक है चल आजा। देसी घी है भाई। एक बात पूछूं तुझसे? पूछ। तेरा भाई मुझसे इतना डरता क्यों है? अखाड़े का सबसे तगड़ा पहलवान, तो छटांग फरकी से डरता है। कमाल नहीं हो क्या? मैं उस डर की बात नहीं कर रही, फिर एनर्जी उसे कुछ। मैं उसके पास जाके बैठती हूँ तो डर के छलांग मार के 4 फुट दूर खड़ा हो जाता है। वैसे तो कितनी नाशुक्रिया हाजरा, मंगनी से पहले कहा करती थी रेशमा तेरा भाई मुझसे कोसों दूर भागता है, अब जब फासला 4 फुट का रह गया तब भी तुझे मसला है। अच्छा ये पकड़, दरवाजा खोल। तुम लोग दिल शेर को कमरे में बंद रखते हो? जब शेर गुस्से में आ जाए ना तो उसे काबू में करना बहुत जरूरी हो जाता है। दिल शेर फिर से भाग गया ना? और वो शेर ही क्या जो पिंजरा ना तोड़ सके। ये जरूर अम्मा के ही काम होगा। ठंड रख, चल ना। ले ले भाई, चिराग जलाने की रस्म भी हो गई है और वो सर्कस भी लग गया। अब कल से इस जगह पे रौनक ही रौनक होंगी। लोअर शहर से भी कुड़ियां आती हैं हर साल की तरह, इस साल भी आएंगी। और पिछली बार तो तेरा एक पे दिल भी आ गया था ना। बस कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इस साल भी आ गई ना, मेला बन जाना तेरा। ये मेला हमारे गांव में हर साल लगता है और बहुत सारे लोग पहली और आखिरी दफा मिलते हैं एक दूसरे से। वो तेरा भी तो दिल आ गया था उस साल कोटन पे। हाँ दिल तो आ गया था यार, मगर उसने ना वो डोली वाले झूले में बैठ के ना हवा में ऊपर जाते हुए चीखते हुए बोला था कि तुम अच्छे हो मगर मैं किसी और की हूं। चले यार चलते हैं। चल आ जा। तुम अच्छे हो पर मैं किसी और की हूं। इसका मतलब तू तो सुल्तान भाई से खुश नहीं है क्या? हाँ ऐसा मैंने कब कहा तुझे? तुझे पता है अम्मा क्या कहती है? क्या कहती है? अम्मा कहती है हाजरा, जो तू फजरों वेले उठ के मुझे वजू करवाती है ना, उसी का सिला मिला है सुल्तान। सिर्फ वजू ही कराती है या नमाज भी पढ़ती है? खुद पढ़ती हूँ लेकिन जरा देर से। सुल्तान जब छत पर जाता है ना कसरत करने, तब देखती हूँ मैं उसे। बात सुन हाजरा, ये ना किया कर, तू बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। गली से गुजरा महबूब तो दोबारा लौट सकता है पर कजा की अदा नहीं होती, और वैसे भी मोहब्बत में रब सोने की नाराजगी मोल लेने वाले ना बेमोल हो जाते हैं। एक बात का हिसाब तो लगा लिया मैंने। क्या? जब से तू ये किताबें पढ़ने लगी है ना तब से तेरी बातें और मुश्किल होती जा रही। अब चले, अम्मा इंतजार कर रही होगी। रुक जाना थोड़ी देर, खाला के पास जमशेद है तो कभी उसको भी मौका दिया कर अपनी अम्मा की खिदमत का। जमशेद घर पर रुकी ना जाए, दिल शेर के साथ निकला होगा आवारा गर्दी करने। इतनी बुरी तस्वीरें कैसे बना लेती है तू? देख तेरे लिए क्या लाया, फ्रूट चाट, दही बड़े और तेरे फेवरेट पकौड़े भी। मेले में क्या था तू? याद आया, वो तो शुक्र है अम्मा है, वरना तेरे चक्कर में तो गया था मैं आज। चिराग जलाई की रस्म भी गई थी। ऐसे मेले में तो बहुत कुछ आया होगा। नहीं
बड़े बड़े पकवान, आसमानी झूले और वो मौत का कुआं भी, और वो बेगम वाला सर्कस भी है। सच्ची तुझे तो बड़ा मजा आया होगा, मैं भी जाऊंगी हाजरा के साथ। लेकिन मजा तो तब आएगा जब सुल्तान उठाएगा दोस्तों की, अभी मुंह करके मारेगा कल। चल मैं जा रहा हूँ, खा लो इतना। चरखा आ चरखा चरखा केड़िया घुमावानी कत्ती जावा मैं, ओ चरखा केड़िया घुमावानी कत्ती जावा मैं, हंजू कत्ती जावा कत्ती जावा मैं। सलाम खालू। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। खाला ये पलमान खालू किधर है? सब खैरियत तो है ना? वो तो सुल्तान के साथ बाहर गए। जमशेद तुम इतनी घबराए भी क्यों? सब खैर है ना? वो आज कुश्ती थी सांवल की और दस्तगीर की। तो फिर दस्तगीर ने सांवल की टांग तोड़ दी है। सुल्तान को दूध दे दिए? अब बात का जवाब तो दे दे, क्या हो गया, क्या सोच रही है? हाकिम अली, मैं तो कहती हूँ मुकाबलेबाजी तो छोड़ दे, कुश्ती का मूल कुश्ती होता है, समझ जाए इस बात को। गलत कह रही है तू, कुश्ती का मूल कुश्ती ही नहीं है, इज्जत शान और शौकत है, सरदारी है। ये तेरे सामने बैठा है ना हाकिम अली पहलवान, हट्टा कट्टा है अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, हट्टा कट्टा, जोड़ जोड़ टूटा हुआ है तेरा, भूल गया तू? जब कुश्ती खुलते हैं ना तो इस तरह की छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। हड्डी पे जोर आ जाए तो वल पड़ जाता है, पर ये चोटें ही हैं जो पहलवानी की मोरें होती हैं। जवान औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया हो ना, तो जब उन्हें चोट लगती है तो मां के जिगर पर तीर की तरह लगती है। तू ये खाड़ा छोड़ दे, पहलवानी छोड़ दे, कोई और कुछ और कुछ कर लेना। पहलवान पहलवानी छोड़ देगा तो क्या करेगा? रेडी खेंचेगा ना, क्या करूं मैं, लोगों का सामान ढोऊं? वाह भाई वाह, पहलवानी छोड़ दे। मुझे एक बात बता, सारी जिंदगी मैंने पहलवानी की, अब बादशाह तेरा पुत्र सुल्तान पिछले 4-5 साल से कुश्तियां खुल रहा है, पहले तो तूने कभी इतराज नहीं किया, अब उठते बैठते तेरी एक ही तकरीर होती है, पहलवानी छोड़ दे पहलवानी छोड़ दे, क्यों भाई? पहले वो मुकाबला करता था पहलवानों से, अब वो कर रहा है मुकाबला गुंडे से। 4 साल का इश्तिहारी है दस्तगीर, और चौधरी ने उसे अपने घर में पनाह दे रखी है, और आज तो अखाड़े में सावल की टांग भी तोड़ दी उसने। देख मैं तुझे कह रही हूं, तू जाके ऐलान कर दे सुल्तान कुश्ती नहीं करेगा। मैं ऐलान कर दूं? और कल मेला शुरू हो रहा है, मेले में मनादी हो जाएगी,
कि सुल्तान और दस्तगीर का दंगल है और मैं सुल्तान का बाप हाकम अली जाके ये ऐलान कर दूं कि मेरा पुत्र नहीं कुलेगा। शाबाश भी तेरे, हमारी खानदानी मिरास के सर पे मिट्टी डालेगी तू। उसको दूध दे जाके और कड़ना रखा ऊपर, अच्छी तरह काढ़ा कर, मलाई ठीक नहीं आती। मैंने बता अब्बा जी की कहने पहलवान का चुस्सा ना कंद की तरह होना चाहिए। और पता है हाजरा क्या कहती है? कहती है रेशमा तेरा पराग कितना पिट्टू है, उसके नाप की शेरवानी तो स्पेशल बनानी पड़ेगी। बादाम का हलवा बना के लाई थी तेरे लिए, अपने अब्बा से इजाजत लेके खा लेना। सुल्तान सुल्तान मैं कुछ भी मांगू तो मुझे देगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है, सुल्तान की जान भी मांगेगी ना तो सुल्तान पीछे नहीं हटेगा। देख ले, तेरी माँ तेरी जान भी मांग सकती है। तेरी कसम सुल्तान अपना सिर तेरे कदमों पर रख देगा। अपना हाथ तो मेरे हाथ में देकर ये बोलेगा तेरी जान मेरे पास है। चल, आज से सुल्तान की जान तेरी। जीता रहे, बस तू अखाड़े में नहीं उतरेगा दस्तगीर के खिलाफ। ये